की अभी कुछ दिन पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा में, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समय समय पे ट्रेनिंग दें और समय समय पे उनको जानकारी और जागरूक करें। पिछली बार आप आए थे एनकाउंटर की बात की थी, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है अभी, एक ऑडियो फर्जी एनकाउंटर, अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा डॉक्टर का कि रिपोर्ट जब बनाएंगे तो पैसे देंगे आप 25,000 सर नोएडा में ये ऑडियो वायरल हुआ था। कह सकता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि करप्शन इतना किसी सरकार में नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड टूटा है। और ये फेक इनकाउंटर की खबर आना पहली बार नहीं हुई है। याद कीजिए आगरा में एक बार पुलिस के लोग तय कर रहे थे कहां पर गोली मारने पर कितना पैसा वसूला जाएगा, और इसी शहर में यहीं पर याद कीजिए सबसे पहला फेक इनकाउंटर एक हुआ था सुमित गुर्जर का हुआ, जिसकी बगल के जिले में थी सुमित गुर्जर की। उसके बाद एक सुमित यादव का यहाँ हुआ जिसको आज भी नहीं, जितेंद्र यादव जो अभी भी नहीं चल पा रहा है। तो क्या ये जानकारी में नहीं है? जब कभी भी जांच होगी सुमित गुर्जर के केस की, जब कभी जांच होगी यहाँ पर जो एक ट्रेनर था जिम में उसकी, बहुत सारे अधिकारी लोग जेल जाएंगे।